नमस्कार दोस्तों, एफएम रेनबो इंडिया पर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल हाजिर हूँ लेकर लिव लाइफ मोर हेल्थ शो। दोस्तों, ये केवल एक प्रोग्राम ही नहीं है, ये है एक कॉन्सेप्ट, ये है एक जीवन शैली जो जोड़ सकती है आपकी जिंदगी में कई और वर्ष और भर सकती है जिंदगी उन कई वर्षों में। दोस्तों, हमारी जिंदगी में नंबर्स का बहुत महत्व है। आप अपने घर का, अपनी गाड़ी का, अपने बैंक अकाउंट का, लॉकर का और यहाँ तक कि अपने जूतों का नंबर भी याद रखते हैं। पर क्या आपने कुछ ऐसे नंबर्स पर कभी ध्यान दिया जिनके साथ न केवल आपकी जिंदगी पर आपके परिवार की खुशियां भी जुड़ी हैं? तो दोस्तों, ये भूमिका मैं इसलिए बांध रही हूँ क्योंकि मुझे आना है आज के हमारे टॉपिक पर, जो है हमारा ब्लड प्रेशर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, और आज का ये प्रोग्राम हमने समर्पित किया है इसी विशेष उपलक्ष को। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है, गर्व है, हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो बीएल कपूर हॉस्पिटल करोल बाग नई दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के चेयरमैन है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। पल्लवी जी नमस्कार, और मैं स्वागत करता हूँ अपने सभी लिसनर्स का, और आपका धन्यवाद खासतौर से कि आपने मुझे इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी चिंता का भी कारण है, क्योंकि आम तौर पर अपने आसपास अगर हम देखें तो किसी न किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती ही है। तो डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आपसे हमें यही जानना है कि ब्लड प्रेशर का महत्व क्या है। इससे पहले कि हम जानें कि ब्लड प्रेशर का महत्व क्या है, हमको समझना चाहिए कि ब्लड प्रेशर है क्या। ये पल्मी जी वो प्रेशर है जो हार्ट पंपिंग के दौरान यानी कंट्रैक्शन के दौरान जनरेट करता है हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पर्याप्त खून या रक्त पहुंचाने के लिए, जैसे दिमाग में, गुर्दों में, हाथ पैरों में, जिससे कि हम रोजमर्रा की जीवन शैली को समुचित रूप से चला सकें और स्वस्थ रूप से जी सकें। डॉक्टर साहब, अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि मुझे पता चल जाता है कि मेरा आज ब्लड प्रेशर हाई है, आज मुझे स्ट्रेस था, मेरा आज ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। तो डॉक्टर साहब, क्या हाई ब्लड प्रेशर के कुछ लक्षण भी होते हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, चोर और डाकू के बीच जो फर्क होता है वही ब्लड प्रेशर के लिए एक सिमिली पैदा की है। ब्लड प्रेशर चोर की भांति है जो आपके घर में घुसता है और आपको आभास नहीं होता क्या चोरी करते हैं। दुर्भाग्यवश इस ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते हैं ज्यादातर लोगों के अंदर, और ये तभी मालूम पड़ता है जब आप इसको चेक कराने जाएंगे किसी डॉक्टर के। तो ये उस चोर की तरह से जो चोरी कर ले जाएगा लेकिन आपको आभास नहीं होगा कि हमारे शरीर में क्या चोरी हो गया। हाँ, कुछ 20-30% लोगों में इसके लक्षण भारीपन के रूप में या हमेशा एक थकान या सांस फूलने के रूप में नजर आ सकते हैं, जिस केस में उसको मरीज को डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर उसको चेक कराना चाहिए। जब भी इसकी रीडिंग 130 ऊपर वाला और 90 नीचे वाले से अधिक होगी तब हम इसको हाइपरटेंशन कहेंगे और आगे इसकी इलाज की आवश्यकता। डॉक्टर साहब, आप एक वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे रीजन के, तो मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि कैसे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारे हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। जब ये ब्लड प्रेशर सालों साल बढ़ा रहेगा तो उसका नुकसान दो रूप में आपको पता लगेगा। हार्ट जो इस ब्लड प्रेशर को जनरेट कर रहा है उससे एक प्रेशर हमेशा बने होने से हार्ट की जो मांसपेशी है वो दीवार मोटी हो जाएगी, उसका मास बढ़ जाएगा, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और एक स्टेज आएगी जब ये हार्ट फैलना शुरू हो जाएगा यानी हार्ट का एनलार्जमेंट शुरू हो जाएगा, और उस स्टेज पे मरीज को हमेशा सांस फूलना और स्टेमिना खत्म होने की शिकायत शुरू हो जाएगी। हार्ट बड़े होने से हार्ट फेल हो सकता है, किडनी के असर होने से गुर्दा फेल हो सकता है जिसके लिए हमको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है, और आंखों की रोशनी सालों साल जा सकती है। तो ये इसके विशेष तौर से हृदय पे ये इसके इल इफेक्ट है। सालों साल ब्लड प्रेशर बड़े होने से कोलेस्ट्रॉल की जमावट जल्दी शुरू हो सकती है और उसके चलते कॉरोनरी आर्टरी डिसीज जल्दी हो सकती है, जिससे हृदय में चेस्ट पेन, एंजाइना और वो सब शिकायतें शुरू हो।
तो उनकी अंदर की दीवार रफ या छत होने से उस पर कोलेस्ट्रॉल की जमावट तेजी से शुरू हो जाती है। तो जो हार्ट अटैक की बीमारी 50 या 60 वर्ष की उम्र के बाद पाश्चात्य देशों में होती है, वो हमारे देश में इस वजह से 40 की 35 की अवस्था में शुरू हो जाएगी। तो इन पेशेंट्स को प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का खतरा रहता है, जो ब्लड प्रेशर अपना काबू में नहीं रखते। और इसका लक्षण ये होगा कि इन मरीजों को जो धमनी है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे हमारे घर में जो पानी की सप्लाई के पाइप के अंदर सालों साल सफेदी जमा होने से पाइप रुक जाता है और पानी आना बंद होता जाए, कुछ इसी प्रकार की स्थिति हमारे हृदय की हो जाती है। और मरीज को चलने फिरने से सीने में भारीपन और दर्द की शिकायत होती है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी। तो डॉक्टर साहब, आपने फिर से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें दिया कि किस तरह से थोड़ा थोड़ा जमाव साल दर साल हृदय को रक्त पहुंचाने वाली नलिकाओं को बाधित कर सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है, जिससे कि हृदय की कार्य प्रणाली में त्रुटियां आ सकती हैं, जो कि एक भयंकर रूप भी ले सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने आज का ये प्रोग्राम समर्पित किया है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को, मुझे लगता है कि हमारे श्रोता आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से ब्लड प्रेशर का कंट्रोल कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कंट्रोल करने में सहायक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा वो हार्ट का मास, यानी जिसके लिए ऑक्सीजन की और ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगी, और जिसको हम डबल प्रोडक्ट कहते हैं हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर के बनता है डबल प्रोडक्ट, और उससे हार्ट की ऑक्सीजन की मात्रा की रिक्वायरमेंट डिटरमाइन होती है। तो जब हम ब्लड प्रेशर कम कर देंगे मरीज का, हार्ट रेट कम कर देंगे दवाइयों के जरिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, और उन धर्मियों में थोड़ी मोटी रुकावट होने के बावजूद भी उनको मरीजों को लक्षण नहीं होंगे, अपना जो रोजमर्रा का जीवन निर्वाह है वो आसानी से कर सकते हैं बिना किसी बाईपास या एम्बुलेंस के जाए बिना, जब तक कि उनकी बीमारी एक लिमिट के अंदर है। तो इन मरीजों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल से काफी हद तक हम एंजाइना के ऊपर काबू पा सकते हैं दवाइयों के जरिए। 40 वर्ष की उम्र के बाद एक आम नागरिक को अपना हृदय का चेकअप समय समय पर जरूर कराना चाहिए, और वो समय डिटरमाइन होता है, अगर इनिशियल चेकअप खराब है तो हर साल कराना चाहिए, अगर इनिशियल चेकअप ठीक आया है तो हर 2-3 साल में एक बार कराना चाहिए। और इस चेकअप में हम खासतौर से मरीज का ECG कैन टेल यू अबाउट द हेल्थ ऑफ द हार्ट, और एक स्ट्रेस टेस्ट, जो लक्षण रेस्ट से नहीं होते तो वो हम मरीज को एक ट्रेडमिल पे चला के या किसी दवा से उसका हार्ट रेट बढ़ा के ये देखते हैं कि पीक एक्सरसाइज से उसकी हार्ट कैसे बिहेव करता है, और ट्रेडमिल खराबी आने से उसको हम सजेस्ट करते हैं अपने हृदय की एंजियोग्राफी कराएं, जो आज काफी आसान की तरकीब है, हाथ से या पैर से करके उसको 1-2 घंटे में मरीज घर जा सकते हैं, और हमको पूरा पता लग जाता है कि हृदय की 3 धमनियों में से किस धमनी में कितनी रुकावट है, रुकावट दवा से मैनेज हो सकती है या कुछ करने के लिए आवश्यकता है। तो ये चेकअप कराना, हेल्थ चेक कराना बहुत आवश्यक है, तभी हमको, जैसा मैंने कहा ब्लड प्रेशर को चेक कराना है तो ब्लड प्रेशर का पता लगता है हाइपरटेंशन का, उसी तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज का उसके समय समय पर चेकअप कराने से इससे चेक कराना पता लगता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इससे पहले कि बीमारी किसी भी रूप में हमें नुकसान करे, उससे पहले ही उसके टेस्ट करवाकर, चेकअप करवाकर एक कार्डियोलॉजिस्ट की सहायता से उस बीमारी के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन से मरीज को बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, इन टेस्ट की सहायता से जब ये सुनिश्चित हो जाता है कि किसी व्यक्ति की धमनियों में रुकावट है, तो इस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए क्या क्या तरीके आज मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध हैं? जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, ध्यान करें आपकी घर में पाइप में जब सफेदी जमा होती है तो एक स्टेज पे हम प्लम्बर को घर में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं भाई इसको साफ करो, और वो एक सरिया के ऊपर कपड़ा लगा के या जो भी उपाय से वैक्यूम लगा के उसको पाइप को साफ करते हैं। बिल्कुल कुछ इसी तरह से हम अपने आप को कभी कभी कार्डियोलॉजिस्ट में कहते हैं हम प्लम्बर करते हैं, क्योंकि इन धमनियों में जहाँ रुकावट है उन धमनियों में एंजियोग्राफी के ही रास्ते हम जाके बड़े बारीक तार से पहुंचते हैं और उस तार के ऊपर एक गुब्बारे को रख के अंदर ले जाके खिलाते हैं उसको, और इस रुकावट को कोलेस्ट्रॉल को हम वहां से साफ कर देते हैं। एक बार ये कोलेस्ट्रॉल साफ हुआ और धमनी के अंदर बहाव समुचित आ गया, तो हम ये रोकने के लिए कि दोबारा इसमें रुकावट ना हो कभी जीवन पर्यंत, एक खास तरह की डिवाइस जिसको हम स्टेंट कहते हैं, ये स्टेंट बड़े बारीक से मेटल ट्यूब का बना हुआ एक ट्यूब है या स्प्रिंग है जो धमनी को हमेशा खुला रखे और दोबारा उसमें रुकावट नहीं पैदा होती। इस दिशा में दोबारा रुकावट
न पैदा होने देने की दिशा में आजकल इन छलों के ऊपर या इन स्टैंड्स के ऊपर एक दवा लेपित की गई है जो कि शुरू में होने वाले रुकावट की प्रक्रिया को दबा के रखती है और हमेशा उसको तमने को साफ रखती है, कम से कम उस जगह जहाँ हमने स्टैंड लगाया। तो ये एक तरह की ऐसी तरकीब है जिससे की पूरी कार्डियोवैस्कुलर केयर पूरे वर्ल्ड में रिवोल्यूशनाइज हो गई है और ये बहुत ही आसान तरीका है हृदय की बीमारी को ट्रीट करने का। तो डॉक्टर साहब, क्या और भी कोई एडवांसमेंट्स हुई हैं स्टेंट्स में जिससे कि पेशेंट्स को ड्रग एलिडिंग स्टेंट से भी ज्यादा फायदा मिले? इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, अब से 20 साल पहले जब ये स्टेंट बाजार में आए थे तो ये बेयर मेटल स्टेंट होते थे जिनसे दवा नहीं होती, और ये बेयर मेटल स्टेंट आम प्रतिशत लोगों में दोबारा से रुकावट पैदा करते थे। लेकिन करीब 10-15 साल पहले एक दवा लेते स्टेंट चले और उसके ये हो गया कि रिकरेंस रेट घट के 3-4% पे आ गया। अब देखा ये गया कि जब स्टेंट जो कि एक मटेरियल का बना हुआ है, एलॉय का बना है, उसका काम खत्म हो जाने के बाद तो उसकी आवश्यकता नहीं है धमनी के अंदर। तो उस दिशा में एक नया एडवांसमेंट अभी 2 साल पहले ये हुआ कि एक बायो एब्जॉर्बल वेस्कुलर स्कैफोल्ड्स यानी कि घुलने वाले छल्ले बाजार में आए जिनको हम BBS कहते हैं। ये मेटल के न बनके एक पदार्थ जिसको हम पॉलीलैक्टिक एसिड बोलते हैं उसके बने हैं जो कि अपना काम पूरा होने के बाद 1-2 साल के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित होकर शरीर के अंदर घुल जाते हैं और धमनी कॉर्नरी आर्टरी बिल्कुल बराबर रहती है जैसे नॉर्मल आर्टरी से। तो डॉक्टर साहब, ये तो एक जादू की तरह लगता है कि कोई चीज आई, आपकी रुकावट को दूर किया और उसका पता भी नहीं चला। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही रिमार्केबल माइलस्टोन माना जा सकता है कार्डियोलॉजी के फील्ड में। तो डॉक्टर साहब, बहुत से आजकल स्टेंट्स अवेलेबल हैं, तो क्या जितने भी स्टेंट्स आजकल सुनने में या देखने में आते हैं क्या वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं? कौन से बेहतर स्टेंट्स हैं? ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के बाद अप्रूव होती हैं और दुनिया के 2 जो खास हिस्से हैं यूरोप और अमेरिका, उनके अपने अपने तरीके से अप्रूव होते हैं। ये नया वाला एब्जॉर्बल स्कैफोल्ड जो है ये यूरोप में पूरी तरह से अप्रूव है और उसके बाद हमारे 2 साल से हमारे भारतवर्ष में लग रहा है और भारतवर्ष की अपनी प्रक्रिया है चीज़ों को टेस्ट करने की। हमारे एक बॉडी में जिसको हम DCGI बोलते हैं, उन्होंने इस छल्ले को जब टेस्ट किया और सही और सेफ पाया तो भारतवर्ष में यूज के लिए उन्होंने लागू करा। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे क्षेत्र के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्रा, और आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य पर डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर का क्या महत्व है हमारी बॉडी में और किस तरह से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज से भी बचा जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, अब मन तो नहीं चाहता कि हम अपनी वार्ता को यहीं समाप्त करें, लेकिन अब चलते चलते मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को कोई टेक होम मैसेज दें, कोई संदेश दें जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर के दुष्प्रभावों से बचा जा सके और एक तंदुरुस्त जीवन एक स्वस्थ हृदय के साथ बिताया जा सके। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम अगर बीमारी ब्लड प्रेशर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने से बच सकते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, इलाज की व्यवस्था आएगी। खान पान में परहेज करते हम समुचित रूप से व्यायाम करें, जैसे प्रेशर या शुगर से पीड़ित हैं तो उसको हम नियंत्रण कंट्रोल में रखें। जो तनाव है इन लोगों के फैमिली अच्छी है उन समय समय पर जाकर चेक कर रखें अपने आप को। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने साधारण शब्दों में हमारे श्रोताओं को दी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show. आज के विषय पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9810075983। जी हाँ, 9810075983। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉगिन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.